नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 55 तक अपलोड कर दी है। अब हम दोस्तों क्लास नंबर 56 से चलने से पहले आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आया है। मोटिवेशन शायरी ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने आप को फड़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। कि जो अपने आप को एक बार समझ गया है ना कि मैं कैसा हूँ, वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। दोस्तों, मोटिवेशन शायरी तो हमने आपको बता दी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसे जीवन में ज़रूर उतारना। ठीक प्रकार से सुनना और हमेशा याद रखना, आपके जीवन में बहुत काम देगी वो चीज़। एक श्लोक है दोस्तों, उस श्लोक को आप जीवन में ज़रूर उतारना। श्लोक ये है कि क्रोधात भवती सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवती सम्मोह है, क्रोध से अत्यंत मूर्खता उत्पन्न होती है। सम्मोहात स्मृति भ्रम, मूर्खता से भ्रम शक्ति का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और भ्रम शक्ति का विनाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से या तो मनुष्य का पतन हो जाता है या गिर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। कि क्रोधात भवती सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि क्रोध से अत्यंत मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से भ्रम शक्ति का विनाश हो जाता है, और भ्रम शक्ति का विनाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कितनी ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाए, क्रोध करो लेकिन किसी समस्या को देख करके, लेकिन हमें ऐसा है छोटी मोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, क्रोध मूर्खता के बराबर समझी जाती है, और मूर्खता उत्पन्न हो जाने से भ्रम शक्ति का विनाश हो जाता है, अर्थात अपनी जो सोचने समझने शक्ति है ना उसका नाश हो जाता है, और सोचने शक्ति के समझने का नाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हुआ तो या तो मनुष्य का पतन हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखना। दोस्तों यही स्थिति मेरे साथ थी कि मैं क्या था कि दोस्तों छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत क्रोध आता था। कोई यदि मुझसे हंसी मजाक भी कर लेता तो मुझसे सहन नहीं होता था, सामने वाले से मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाता था। लेकिन मैंने इस श्लोक को अपने जीवन में उतारा। मुझे किसी ने बताया था कि तू इस श्लोक को अपने जीवन में जरूर उतारना, इससे तुझे जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। उस श्लोक को मैंने हमेशा याद रखा, कभी कभी भी मुझे जब रोस आता था तो मैं उस श्लोक को याद कर लेता था, इसलिए मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। इसलिए दोस्तों कभी भी क्रोध मत करना। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास पर, हमेशा याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्लास नंबर 56 के क्वेश्चन नंबर 21 पर, रिवीजन कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट कोडिंग रिकॉर्डिंग का, कुट लेखन का। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में चार्ट को TRACH के रूप में लिखा जाता है और क्लोज को ESOCL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में WORLD को कैसे लिखा जाएगा, वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 9 दिसंबर 2020 में पूछा गया था, शिफ्ट थर्ड में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, एक निश्चित कुट भाषा में हमें क्या दे रखा है, साल्ट दे रखा है, साल्ट दे रखा है, इसको क्या लिख दिया दोस्तों TRACH। कंपैरिजन हमेशा नीचे से करेंगे लेकिन इस बार सामने से करेंगे। देखिए दोस्तों देख के आपको पता चल रहा है कि अल्फाबेट तो यूं के यूं है, वैसे इनको आपस में चेंजिंग कर दिया है, अल्फाबेट पलटे नहीं है, इनको टेढ़ा मेढ़ा करके इस प्रकार से लिख दिया है, लेकिन अल्फाबेट यूं के यूं है, इसमें जैसे इसमें है उसमें यूं के यूं है। देखिए दोस्तों टी लास्ट में है, टी पहले आ गया, आर आ गया इसके बाद में, ए। अब यहां पर देखो दोस्तों यहां पर क्या किया है, यहां पर किया है दोस्तों एच है ना, एच को ले गया लास्ट लास्ट में, और सी आ गया पहले, एच को ले गया अंत में, वह एच को ले गया अंत में और सी आ गया पहले। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसे सोल्व किया है, उसी प्रकार एक मिनट क्लोज को साइलेंट कर दो, वर्ल्ड को देखते हैं WORLD। अब देखिए दोस्तों वर्ल्ड को किस प्रकार से करें, सबसे पहले डी, इसके बाद में एल, फिर आर। अब यहां पर किया था एच को अंत में ले गया, सी पहले आ गया, ओ को तो हम अंत में ले जाएंगे, अरे डब्लू पहले आ जाएगा, तो क्या बन गया DLR WO। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर सकते हैं लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगले क्वेश्चन से चलने से पहले आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना और दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट्स एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया हुआ है दोस्तों, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको करना है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन करिए, पता लगाइए इसका राइट आंसर कौन सा है। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमें दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में PLIGHT को क्या लिखा जाता है, JMQUIH लिखा जाता है। कंपैरिजन हमेशा नीचे से करेंगे, सामने से कभी कभी होता है। उसी प्रकार CANDLE को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमें ये दे रखा है, उसी प्रकार हमें इसका निकालना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, पी का क्यू, आई का जे, एल का एम। हाँ दोस्तों देखिए सबसे पहले करेंगे इसको दो भागों डिवाइड कर दिया। अब देखिए आई आता है 9 नंबर पर, 9 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे आता है जे। उसी प्रकार एल आता है 12 पर, 12 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर आता है एम। उसी प्रकार पी आता है 16 पर, 16 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 17, 17 पर आता है क्यू। ये इस प्रकार से, उसी प्रकार आगे आगे देखिए दोस्तों टी दे रखा है, टी आता है 20 पर, 20 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आता है यू। एच आता है 8 पर, 8 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 9, 9 पे आता है आई। उसी प्रकार जी आता है 7 पर, 7 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 8, 8 पे आता है एच। अब देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार इसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, दो भागों में डिवाइड। सबसे पहले लिया हमने एन, एन कितने पर आता है, एन आता है दोस्तों 14 पर, 14 में प्लस के 1 जोड़ा 15, 15 पे हो गया ओ, ओके। उसी प्रकार ए आता है 1 पर, 1 प्लस के जोड़ेंगे, ए के बाद में आता है बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, 3 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 4, 4 पे आता है डी। उसी प्रकार यहाँ ई आता है दोस्तों 5 पर, 5 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 6, और 6 पे आता है एफ। उसी प्रकार एल आता है 12 पर, 12 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 13, 13 पर आता है एम। उसी प्रकार डी आता है 4 पर, 4 में प्लस के 1 जोड़ेंगे 5, और 5 पे आता है ई। ओ बी डी एफ एम ई किसमें है, ओ बी डी एफ एम ई इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आया किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, इसमें चल रहा है दोस्तों पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न किसके चल रहा है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन का पैटर्न चल रहा है, और इसमें दो भागों में डिवाइड कर दिया, जो तीसरे नंबर संख्या थी वो पहले आ गई। तो आपके समझ में आया किस प्रकार से हुआ है, चलते अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया हुआ है दोस्तों, चार ऑप्शन हमारे सामने, इनमें से एक राइट आंसर है। हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमें क्या दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में HQUAWK को क्या लिखा जाता है, QHUAKW लिखा जाता है। तो उसी प्रकार PROMPT को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें अल्फाबेट दे रखे हैं, इसमें अल्फाबेट यू कहीं उधर दिए, बस एक थोड़ी सी चेंजिंग की है, क्यू पहले आ गया एस बाद में चले गया, ए पे यू यहीं का यहीं, ए यहाँ का यहीं, डब्लू बाद में गया, के पहले आया। इसी प्रकार देखिए ये इस प्रकार से हुआ है दोस्तों, इसमें क्यों पहले आ गया एस बाद में चले गया, और दो अल्फाबेट थे उनको यूँ कहीं उधर दिए, फिर आगे के बाद में आ गया, पहले आ गया डब्लू बाद पीछे चले गया। इसी प्रकार इसे करेंगे, देखिए दोस्तों आर पहले आ गया, पी बाद में चले गया, ओ इसके स्थान पर है, ए उसके स्थान पर है,
टी पहले आ गया, पी बाद में चले गया, पी तो आर पी ओ एम टी पी किसमें है? आर पी ओ एम टी पी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आई क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है दोस्तों? इसमें क्या हो रहा है, एक बात याद रखो, इस प्रकार से जब कभी क्वेश्चन होता है तो वज्रगुणा क्या हो रहा है, वज्रगुणा हो रहा है। इस प्रकार से याद रख लेना कि दूसरे नंबर का अल्फाबेट्स पहले आ गया और पहले नंबर का अल्फाबेट्स बाद में चले गया। तो आपकी समझ में आ गई किस प्रकार से है क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया हुआ है दोस्तों, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है तो करिए आप इस क्वेश्चन को, पर पता लगाइए इसका राइट आंसर कौन सा है। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमें दिया कि एक निश्चित कूट भाषा में ई एल ई सी टी आई ओ एन को क्या लिखा जाता है? डी के डी वी एस एच एन एम लिखा जाता है। उसी प्रकार एग्जाम्पल्स ई एक्स एम पी एल ई एस को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों किस प्रकार से है, यहाँ पर देखा ई ई में से हमने माइनस के एक कम करेंगे, ई आता है 5 बार, एक कम किया 4 आए, 4 पे आता है डी। उसी प्रकार एल आता है 12 पर, 12 में से एक कम करेंगे तो 11 बचेंगे, 11 पाता है के। ई ई में से माइनस के एक कम किया, ई आता है 5 पर, 5 में से कम करेंगे 4 आएगा, 4 पे आ गया डी। उसी प्रकार सी सी में से माइनस के एक कम करेंगे तो सी 3 पर आता है, 3 में से कम किया 2, 2 पे आ गया बी। उसी प्रकार टी टी आता है 20 पर, 20 में से माइनस के एक कम किया 19, 19 पे आता है एस। उसी प्रकार आगे देखा आई आई आता है 9 पर, 9 में से माइनस के एक कम करेंगे 8, 8 पे आता है एच। ओ आता है 15 पर, माइनस के एक कम करेंगे 14, 14 पे आता है एन। एन है दोस्तों 14 पर, 14 में से माइनस के कम करेंगे 13, और 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है एम। तो आपकी समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? माइनस एक माइनस एक माइनस एक का पैटर्न चल रहा है, ये इस प्रकार जो है उसी प्रकार इसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों ई दे रखा है, ई आता है 5 पर, 5 में से माइनस के कम किए 4, 4 पे आ गया डी। उसी प्रकार एक्स एक्स आता है दोस्तों 24 पर, 24 में से माइनस के कम करेंगे 23, 23 पे आता है डब्लू। आगे दे रखा है ए, ए आता है दोस्तों एक पर, एक में से माइनस के एक कम करेंगे तो नीचे से जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि नीचे से, बल्कि जेड से आएंगे, तो जेड आता है एक में से एक कम किया ना तो 26 आएंगे नीचे से जेड की तरफ से, तो 26 पे क्या आता है? जेड आता है। उसी प्रकार आगे एम दे रखा है, एम आता है 13 पर, 13 में से माइनस के एक कम करेंगे तो कितने बचते हैं? 12, 12 पे आता है एल। पी पी आता है 16 पर, 16 में से माइनस के एक कम करेंगे 15, 15 पे आता है ऊ। एल एल आता है 12 पर, 12 में से माइनस के एक कम किया तो कितने बच गए? 11, और 11 पे क्या आता है? के। ई ई आता है 5 पर, माइनस के एक कम किया 4 बचे, 4 पे आ गया डी। उसी प्रकार एस एस आता है 19 पर, माइनस के एक कम किए 18, 18 पे आता है आर। तो डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी आर किसमें है? डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी आर ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? इसमें पैटर्न लग रहा है माइनस एक माइनस एक माइनस एक का पैटर्न चल रहा है। तो आपके समझ में आ गई किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्शन को 52, 36, 32, 12 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इफेक्ट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो हमारी पहुंच सके। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करके उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अंत तक देख के जरूर जाना, और वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए। चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में।